हाय गुड इवनिंग एवरीबॉडी, दिस इज हुसैन अंसारी और द हुसैन अंसारी शो में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपनी जगह पे, अपने अपने घरों में। और जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू ईयर्स आने वाला है, नया साल आने वाला है, तो नए साल की मैं सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे बीच जो गेस्ट आने वाले हैं, जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं हमारे, मिस्टर दिनेश मोहन जी, हम उनके साथ आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं। उनकी जो लाइफ की जर्नी है, उनके उस जर्नी के बारे में हम लोग उनसे बातचीत करेंगे। आई होप आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और आई होप के उन्हें, आप सभी को उनकी जो जर्नी है लाइफ की, वो आपको बहुत ही अच्छी लगे। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करिएगा। दिनेश मोहन जी लाइव आ चुके हैं और हम उनको ज्वाइन करने वाले हैं। तो दिनेश मोहन जी को मैं लाइन पे, हम लोग लाइव आए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दिनेश मोहन सर ने अपने करियर की शुरुआत जो है वो 2016 में की थी और आज हीज बिकम अ ग्रेट पर्सनालिटी एंड आई कैन चैलेंज ईच एंड एवरी यंगस्टर, दे कांट बीट मिस्टर दिनेश मोहन बिकॉज ही इज़ रोल, आई कैन से ही इज़ माई रोल मॉडल बिकॉज ही इंस्पायर्स मी। उनसे मैं काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, लाइक उनकी पर्सनैलिटी और मैनी 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 थिंग्स आई लर्न फ्राम हिम। सो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम लोग बुलाते हैं मिस्टर दिनेश मोहन जी को। हाय हाय, गुड इवनिंग सर। हाय, हाउ आर यू सर? कैसे सर? आई एम फाइन, आप बताइए कैसे हो सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मुझे। कम आ रही है? अभी आवाज आ रही है? अभी आ रही है आवाज? बहुत कम, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा आपको। मेरा वॉल्यूम मोबाइल का फुल है सर। फुल है, रुकिए मैं ट्राई करता हूँ। अभी अभी आया है? अभी आ रहा है सर? सर आप सर लेफ्ट हो गए हैं नेटवर्क इश्यू की वजह से। इनवाइट करते हैं सर को फिर से। यस जी, हाँ सर जी, अभी आवाज आ रही है प्रॉपर सर? फिर से कम आ रही है, बट कोई बात नहीं, अब ज्यादा वो नहीं करते। लेट्स गो अहेड। ओके, सो वेलकम टू द हुसैन अंसारी। बिल्कुल कम आ रही है कि मुझे बहुत मुश्किल से सुन रहा है आपका। अच्छा ऐसा है, मुझे आप प्रॉपर सुनाई दे रहे हो और मैं थोड़ा चार्जर निकालू, शायद चार्जर की वजह से आवाज आ रही हो जी। अभी आ रहा है? अभी आ रहा है आवाज? बहुत कम, बहुत कम, अभी बहुत कम आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर। ओ माय गॉड, तो मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। थोड़ा प्रॉपर अभी आवाज आ रहा है सर प्रॉपर? चलिए ट्राई करते हैं, बहुत कम है बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको सुन के जवाब दे दूं समझ के। ओके, तो जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ है मिस्टर दिनेश मोहन जी, जो एक बॉलीवुड एक्टर है और एक मॉडल है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जैसे दिनेश मोहन जी को मैं लाइव लेने से पहले बात, जैसे आपको बता रहा था कि दिनेश सर जो है वो आज के यंगस्टर में कोई उन्हें बीट नहीं कर सकता, काफी हैंडसम एंड बहुत ही सुपर पर्सनालिटी है जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए सर से बातचीत करेंगे। सर बेसिकली चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी उनकी पर्सनालिटी है। सर मैं सबसे पहले तो मैं आपसे फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा द हुसैन अंसारी शो में, कि आपने मुझे टाइम दिया और मेरे साथ लाइव आए हैं। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आपके बारे में मुझे ये बताएं कि आपने आपका, मैंने पहले पिक्चर्स देखे हैं कि आपका वेट पहले बहुत था और अभी आपने पूरा ट्रांसफर अपने आपको किया है, तो उसके पीछे का कारण क्या है सर?
सभी लोग जानते हैं और मैं हर लाइव में बताता हूँ और बहुत इस बारे में बात हो चुकी है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, डिप्रेशन से फाइट हो गया, लाइफ चेंज हो गया, मेडिकल इश्यूज जो है वो सब वो ठीक हो गए और आज के दिन सारा वाक्या जो है वो एक क्या कहते हैं, एक कहानी बन के रह गया है। और मुझे खुशी इस बात की है कि वो कहानी जो है वो थोड़ी सी इंस्पायरिंग है, दूसरों को प्रेरणादायक है, उत्साह देती है, दूसरों को फिर से जीने की हिम्मत देती है, तो मेरे लिए ये बहुत है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब जरूरी नहीं है, मगर आज के दिन जो नतीजा निकला है वो लोगों के दिल पे एक छाप छोड़ रहा है और ये मेरे लिए बहुत बहुत ही एक मतलब अच्छा एक रिवॉर्ड है ऊपर वाले की तरफ से, कि जो मैंने तकलीफें झेली, जो कष्ट मैंने झेले, जो दुख मुझे मिले और किस तरह से मैंने उनसे फाइट किया और उनका नतीजा क्या निकला, तो ये चीज जो है ये मेरे लिए भी बहुत, क्योंकि अब भी जब डाउन फील करता हूँ कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो सिर्फ ये याद कर लेता हूँ कि मैं किस किस चीज से, कौन कौन से आग के दरिया जो है वो पार करके यहाँ तक पहुंचा। अरे ऑब्वियसली सर, आपने 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 जो अपने आपको ट्रांसफर मतलब पूरा अपने आपको पूरा बदल के रख दिया वो रियली अमेजिंग है, मतलब आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि अगर जिसने आपको देखे, आपके पहले के पिक्स देखे होंगे डेफिनेटली सर, वो बहुत ही मतलब अपने आपको अपने बहुत कड़ी मेहनत से और परिस्थितियों से आपने पसार होके मतलब निकल के आए हो, वो बहुत ही मतलब मेरे अंदर से एक आवाज आई कि जो लोग मेरे वजूद को और मेरे होने को चैलेंज कर रहे हैं कि ये कैसा है, कौन है, क्या है, उनको मैं बिल्कुल एक साइड पे करके और एक नया रूप अपना जो एक्चुअली मेरा रूप था वो लेके, वो वजूद लेके मैं सबके आगे आऊंगा। एंड मैं खुश हूं कि मैं वो अचीव कर पाया और एक मतलब अपना जो मेरी ट्रू सेल्फ थी उसको लेके आज के दिन मैं जी रहा हूं और जो करना चाहता हूं बिंदास करता हूं, मस्ती में करता हूं, किसी का डर और किसी का कोई प्रेशर मेरे माइंड पे, इनफैक्ट इस इंडस्ट्री का भी, एक्टिंग का, मॉडलिंग का कोई प्रेशर मेरे माइंड पे नहीं है बिल्कुल भी। मैं अपने हिसाब से चलता हूँ, अपने हिसाब से जी रहा हूँ और बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से। अच्छा सर, 2016 में आपने स्टार्टअप किया है अपने इंडस्ट्री का, मॉडलिंग एज अ मॉडल, एज अ एक्टर, तो उस दौरान आपको क्या मतलब स्ट्रगल करना पड़ा, जैसे आप जैसे 2016 में एंटर हुए तो आपको कुछ स्ट्रगल करना पड़ा कुछ सर? मतलब ये बात बहुत अजीब लगेगी आपको भी और व्यूअर्स को भी बहुत अजीब लगेगी, पर जिसे एक्टर मॉडल बनने के लिए स्ट्रगल कहते हैं नहीं करनी पड़ा, थैंक गॉड, क्योंकि मेरा सारा स्ट्रगल जो है वो उससे पहले का रहा है, एक्टर मॉडल बनने से पहले का रहा है। मेरा जो एक्चुअल स्ट्रगल रहा है इस लाइन में वो सिर्फ इतना ही रहा कि जैसे आज के दिन मैं बिल्कुल वेला हूँ, वेला वेला समझते हैं आप, जिसके पास कोई काम नहीं है और जो जो अपने टाइम का मालिक है, जो अपनी मर्जी से घूम फिर रहा है, उठ बैठ रहा है, और एकदम से मॉडलिंग में शेड्यूल दूसरों का हो गया, तो वो मेरा उठना बैठना और ये वो, मेरा जो दूसरा ही शूट था लाइफ का, उसमें मुझे रात को 2 बजे सर्दियों में पिक करने के लिए आ गए जनवरी में। और फिर ये करनाल में एक जगह है हवेली नाम से है, कोई शायद एक रिजॉर्ट है बहुत बड़ा, हवेली है या आई डोंट नो, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका क्या है, मगर बहुत बड़ा रिजॉर्ट ठंडी हवाएं चल रही, एंड यू नो मतलब इतनी ठंड में और गर्मियों के कपड़ों में सारा दिन वहां हवा में शूट किया, तो मेरा स्ट्रगल जो है ना वो ये रहा है इस लाइन में कि एकदम वेलापंथी से जो है अपने आप को एक शेड्यूल में और एक डिसिप्लिन में डालना पड़ा और अपनी लाइफ को जो है बहुत सालों के बाद टाइम के अंदर बांधना पड़ा, और फिर स्ट्रगल ये आया कि अब किस काम को हाँ करूं, किसको ना करूं, आपस में जो है शूट्स के आपस में क्लैश होने लग गए, शोज के आपस में क्लैश होने लग गए, मैं क्योंकि ओल्ड हूं, मेरी मेमोरी भी मेरे हिसाब से ओल्ड है, तो आपको भी हाँ कर दी, उसको भी हाँ कर दी, उसको भी हाँ कर दी, और बाद में मुसीबत ये पड़ी कि अब किसका पकड़ूं, किसका छोड़ूं। ओके, बट मैं आपको बता दूं कि आप
आप सिर्फ एज में ओल्ड दिखना और एक्चुअल फिजिकली ओल्ड होना बहुत बहुत आर डिफरेंट सर. सो माय पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट यू आर नॉट ओल्ड बाय माइंड बाय फिजिक्स एंड बाय लुक यू आर नॉट ओल्ड बिकॉज आप जो जिस तरह से काम कर रहे हो सर आप कितने लोगों को इंस्पायर कर रहे हो सर क्योंकि आपको देख के मैं खुद सुबह में जल्दी खड़ा हो जाता हूँ कि दिनेश सर कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ. राइट, एक इंस्पिरेशन मिलता है सर. मेन बात जी सही बात है, थैंक यू. बट मेन बात जो है ना वो यही रही कि आदत नहीं थी काम करने की बहुत सालों से. घर में बैठा हुआ था और एकदम से इतना काम आने लग गया कि एक लत सी लग गई काम की, ट्रेवल की, इधर उधर जाने की, और अपने आप को मतलब बिल्कुल वक्त से मैं वो आजाद हो गया. मतलब कोई आपको पता है इस लाइन में, यू आर ऑल्सो इन दिस लाइन, इसमें कोई टाइम फ्रेम मेरी तो दुआ है अल्लाह से यही दुआ है कि आप इसी तरह बिजी रहो, इसी तरह आपके पास बहुत सारा काम आते रहे और आप हमेशा ट्रैवल करते रहो, शोज करते रहो, हमें लाइव दिखते रहो, एक्टिव दिखते रहो. बस ऐसे अल्लाह से दुआ है आपसे. सर अपने आपके करियर के स्टार्टिंग में आपने टीवीसी एड किया, शॉर्ट फिल्म की, और आपने कई सीरियल जी टीवी पे, सोनी पे किए. तो पहले तो मैं आपसे बताऊं, पूछना चाहूंगा कि महक जिंदगी की जो जी टीवी पे सीरियल था उसमें आपका जो रोल था, एक मिनट मैं एक सवाल का जवाब दे दूंगा पूर्वा जी. यस, आई वाज इन ज़ारा टुडे. यस, मैं ज़ारा में था, आपने मुझे ही देखा था जी. हाँ जी, सॉरी. यस, तो इट्स ओके सर. महक जिंदगी की जी टीवी पे सीरियल थी, उसमें आपका क्या किरदार रहा सर? महक जिंदगी की जी टीवी के लिए सीरियल था और एक बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस है टीवी इंडस्ट्री की, पूनम जी, और वो बहुत मतलब नेगेटिव कैरेक्टर्स करती हैं और मतलब बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस है. तो मैंने उनके साथ पहले भी एक आधा शूट, टाटा स्काई के लिए एक शूट किया था उनके साथ. तो वो मेरी पत्नी का किरदार उसमें कर रही थी, उनका मेजर कैरेक्टर था और मैं उनका हस्बैंड बना था. अशोक नाम था मेरा उस सीरियल में, और सिर्फ मुझे जो है ना उनको सपोर्ट करना था. और मतलब जैसे होता है ना कि पत्नी की सपोर्ट बन के जो है वो उस सीरियल में चलना था. और मुझे उन्होंने जी हम सफर 3-4 एपिसोड के लिए ही उसमें साइन किया था उन्होंने मुझे, और अच्छा एक्सपीरियंस रहा. हम लोग दिल्ली में चांदनी चौक में शूट करते थे उन दिनों में, और सुबह सुबह मैं वहां चला जाता था और वहां एक हवेली उन्होंने ली हुई थी जो अंदर गलियों में जाके है. और हमारे जो उठने बैठने के कमरे थे वो एक आधी गली छोड़ के थे, तो रात को जल्दी फ्री हो जाते थे तो सब लोग ग्रुप बना के दूसरी हवेली में जाते थे क्योंकि वहां पे कुत्ते जो है वो बहुत भयंकर हैं चांदनी चौक में. तो अगर अकेला इंसान जा रहा होता था तो सब उसको पढ़ते थे 20-25 कुत्ते. तो फिर हम सब लोग एक्टर्स जो है वो फ्री होके ग्रुप बना के वहां जाते थे, सामान उठा के अपना कैब जो उनकी गाड़ियां थी सीरियल वालों की वो लेके अपने अपने घर आते थे. तो मेरे लिए वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था. एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स के साथ मुझे काम करना पड़ा तो एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा वो. ओके, उसके बाद सर आपका जो सफर स्टार्ट हुआ इंडस्ट्री में, अगर तुम साथ हो जिंदगी चैनल पे आपने एक और सीरियल किया, उसमें आपका क्या क्या रोल था और कैसा रहा एक्सपीरियंस? उसमें मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं बहुत बिंदास बोलता हूँ जब भी बोलता हूँ. मुझे रोल बहुत अच्छा बताया गया था, कैरेक्टर बहुत अच्छा था, मगर वहां पे कुछ सीनियर एक्टर्स जो है वो इतने जिसे क्या कहते हैं वो डायरेक्टर के थोड़े क्लोज थे और वो इतने जेलस टाइप के थे कि उनको लगा कि ये अभी बिल्कुल फ्रेशर है और इसको हमारी तरह ही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है. वैनिटी वैन मिली हुई है, मेकअप आर्टिस्ट मिले हुए हैं और इतना अच्छा करदार इसको पहले ही उसने झटके में मिल गया और हम सालों साल घिस के यहाँ तक पहुंचे हैं. तो उन्होंने बहुत एंटी वहां पे प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया. तो फिर मैंने वो अपनी चॉइस से वो सीरियल जो है 2 या 3 एपिसोड के बाद, बिकॉज मैं नेगेटिविटी ले नहीं सकता, मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, हंसते खेलते काम करता हूँ, क्योंकि मैं किसी प्रेशर में आके काम नहीं कर रहा, मैं अपने मजे के लिए कर रहा हूँ. और अगर कहीं मुझे मजा ही नहीं आएगा तो फिर उस काम की मेरे लिए वैल्यू नहीं. तो मैं वो सीरियल मैंने 2-3 एपिसोड के बाद ही छोड़ दिया था. एंड आप खुदा का वो देखिए, जो भी कहेंगे इसमें, कि वो सीरियल बुरी तरह से फ्लॉप हुआ. जो बड़े बड़े एक्टर उसके अंदर काम कर रहे थे उनकी भी इतनी बदनामी हुई कि ये क्या रोल किए हैं उन्होंने.
मुझे उसे वक्त पे छोड़ देने में कोई बाद में कोई रंजिश पछतावा नहीं हुआ आपको? कोई पछतावा, कोई रंजिश बिल्कुल नहीं हुई? ठीक है जी। तो फिर उसके बाद आपके सफर जो स्टार्ट हुआ उसमें आपने फिर एक और सीरियल किया जिसका नाम है ये प्यार नहीं तो क्या है, सोनी टीवी पे जी। तो ये जो सीरियल है वो बाकायदा बहुत ही फेमस सीरियल है, उसमें आपका किरदार क्या रहा और क्या अच्छा और क्या खराब एक्सपीरियंस रहा? उसमें कोई खराब एक्सपीरियंस नहीं रहा, वो किरदार जो है वो बिल्कुल जैसे मेरे ही लिए लिखा गया था और उनको मेरे ही जैसी पर्सनैलिटी ऑलरेडी जो उन्होंने मुझे, जब मैं फर्स्ट मीटिंग में गया तो जो उन्होंने क्रिएटिव की जो मुझे शीट दिखाई, स्क्रिप्ट दिखाया, जो कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन थी वो जैसे मुझे ही सामने रख के की गई हो। और मेरे से पहले वो बहुत से दिल्ली के एक्टर्स को ऑडिशन कर चुके थे, मगर जैसे ही मैं रूम में एंटर किया तो उन्होंने बोला कि हमें हमारा कैरेक्टर जो है वो मिल गया और अब हमें किसी और के पास नहीं जाना है। और हम लोग नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में शूट कर रहे थे और मैं गुड़गांव में रहता था उन दिनों, और मैं अपनी गाड़ी में आना जाना पसंद करता हूँ। तो 4 बजे शाम को सेट पे पहुंचना होता था, जो मुझे पहुंचने में 3 घंटे लगते थे गुड़गांव से, और रात को 2:30-3 बजे हम फ्री होते थे और वही 3 घंटे वापस अपने घर। तो एक साल जो है मैंने गुड़गांव और नोएडा की सड़कें जो है वो नापी हैं अपनी गाड़ी में जब उस सीरियल का शूट हो रहा। गुड एक्सपीरियंस वेरी गुड एक्सपीरियंस, बिकॉज यू नो मैं मतलब बहुत अपने घर के अंदर बंद रहा हूँ और फिर एकदम से जो है ये सारा काम स्टार्ट हो गया। तो रात को जब गाड़ी चला के वापस आता था तो बहुत मुझे मजा आता था, दिल्ली की खाली सड़कें जो है वो देखना एक सपना है सबका। एग्जैक्टली और रात एक्चुअली दिल्ली जो है वो बहुत ही अच्छा सिटी है, I have been visited there और बहुत ही मजा आता है। बट हाँ ये चीज है, ट्रैफिक इतना बुरा है वहां पे, इतना बुरा ट्रैफिक है कि रात को जब मैं सड़क खाली देखता था तो गाड़ी जो है वो अपने आप स्पीड ऐसे ऑटोमेटिकली पकड़ जाती थी जो दिन में आप कर नहीं सकते। एक्चुअली वो दिल्ली में कुछ देखो या ना देखो बट वहाँ की खाली सड़क देखना एक ड्रीम है लोगों का, जैसा आप तो बोल रहे हैं। वो दिन जो है मुझे वो उस शूट के दिन मुझे बहुत याद आते हैं। और जब हमारा लास्ट डे था उस सीरियल का एक साल के बाद, तो एक्चुअली जितने एक्टर्स सेट पे मौजूद थे इंक्लूडिंग मी, हम सब रोए कि जैसे एक फैमिली जो है वो अलग हो रही है। और मुझे उस सीरियल के लिए लोग अभी भी आजकल के दिनों में भी याद करते हैं। साउथ में भी लोगों ने उस सीरियल का नाम लिया है, नॉर्थ में भी नाम लिया है, तो बहुत मेरे लिए वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर आपने मॉडलिंग स्टार्ट की सर, आपने 2016 में जैसे सीरियल्स के बाद फिर आपने मॉडलिंग स्टार्ट की, तो एक्टिंग तो एक समझ में आता है कि एक्टिंग हम कर रहे हैं, बट इस एज में मैं ये चाहूंगा, मैं बोलना चाहूंगा कि इस एज में आपने क्या सोच, आपको मैं थॉट्स क्या है कि मुझे मॉडलिंग करनी चाहिए, रैंप करना चाहिए, तो मुझे दर्शकों को ये बताना है आपके थॉट्स, आपने क्या सोचे थे इसके लिए? मुझे अगेन लाइक एक्टिंग मुझे कोई थॉट्स नहीं आए। मुझे कॉल आया एक दिन 2018 में के वो FDCI जो है फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया, उनके एनुअल फैशन शोज होते हैं, तो वो दिल्ली का जो ओपनिंग शो था अमेज़न फैशन वीक के, उसके अंदर जो ओपनिंग शो है उसमें उनको शो ओपन करने के लिए और शो क्लोज करने के लिए एक मेरी एज का मॉडल चाहिए। तो डिजाइनर को मेरी फोटोज दिखाई गई तो उन्होंने बहुत पसंद किया, तो दे सेड के आपने कभी रैंप वॉक किया है? मैंने कहा नहीं, ऐसे प्रोफेशनली नहीं किया मगर सपनों में किया है बहुत, क्योंकि अपने आप खुद को मॉडल समझता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप फिटिंग और उसके लिए आ जाइए। एंड अगेन यू नो बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में वो फैशन वीक होता है एंड बहुत बड़ा, सबसे बड़ा रैंप जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा रैंप बनाया जाता है वहां पे, और बॉम्बे से दिल्ली से जितनी क्रीम ऑफ दिस इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री, एक्टिंग इंडस्ट्री, वो सब लोग जो है वो फ्रंट रोज में बैठे होते हैं। और मुझे एक लंबा सा चोगा सा, क्योंकि मुझे डिजाइनर कपड़ों का तब तक पता ही नहीं था कि क्या होते हैं, मैं तो जीन्स और टी शर्ट फंसा के हर जगह पहुंच जाता। तो उन्होंने एक वो महाराजा जैसी ड्रेस दे दी, बिल्कुल मॉडर्न, और मतलब जैसे एक बहुत बड़ी वो फ्रॉक होती है यहां से लेके नीचे तक, एंड मुझे लगा कि ये मैंने क्या डाला। मगर जब मैं रैंप पे चला तो उसमें एक इतना रॉयल फील आया उस गारमेंट के अंदर मुझे, क्योंकि उसका फ्लो जो है वो इतना अच्छा था गारमेंट का,
और जो वीडियो और पिक्स आए तो वो लोगों ने उसको बहुत लाइक किया, और रैंप पे भी मुझे बहुत सीटियां और ताड़ियां मिली जब मैंने एंटर किया। तो वहां से फिर मॉडलिंग का सफर भी स्टार्ट हो गया, ऑफर्स आने लग गए, फिर शोज के लिए एज जज बुलाने लग गए मॉडलिंग शोज में, और फिर शो स्टॉपर बन गया। तो इस तरह से वो मतलब मेरा सफर जो है ना उतना ही हंसते खेलते रहा है, जैसे वो गाना नहीं है कि जान पहचान हुई, फिर अच्छे दोस्त बने, फिर प्यार हो गया। हाँ, वैसा आपका सफर है, बिगिनी शो, एक 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 अनजान रास्ते में मिले और एक जान पहचान हुई, फिर सफर शुरू हुआ, प्यार हो गया, फिर चलता कारवा, फिर चलता ही गया, फिर चलता ही गया। अच्छा है, काफी काफी इंटरेस्टिंग आपकी सारी जो एक्सपीरियंस है वो बहुत काफी इंटरेस्टिंग है। सर, उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने केरला फैशन शो का, जैसे आपने नाम लिया केरला फैशन शो आपने किया, फिर उसके बाद एक आपने फिटनेस सूट थाईलैंड में किए, जिस जो आपके फैशन मैगजीन में भी आपके वो फोटोज वगैरह आए थे, तो ये मैगजीन जो है फैशन मैगजीन वो लॉन्च हो गई या फ्यूचर में होने वाली है? वो तभी उस ऑलरेडी एक वहां की सक्सेसफुल मैगजीन थी, और उसके लिए उनको उनको इंडिया से एक मॉडल चाहिए था मेरी एज ग्रुप का, एंड वो ही वहां भी कास्टिंग वाले हैं जैसे यहाँ कास्टिंग वाले होते हैं, तो इंटरनेशनल कास्टिंग करते हैं जो लोग, तो मेरे को कॉल आया एंड फिर वो सारा ट्रिप अरेंज हुआ। और वो शूट एक्चुअली समुद्र के बीच में था, अंडर वाटर शॉट थे, मगर क्योंकि मैं मतलब जैसे मेरी मेडिकल हिस्ट्री रही है, तो जैसे ही हमने सी के अंदर नीचे में गया तो मेरे को बहुत घबराहट हो गई एकदम से और सफोकेशन हुई, तो वो शूट सी में पूरा नहीं हो सका। फिर उन्होंने जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था उसी होटल में बहुत खूबसूरत स्विमिंग पूल था, तो उसका जो जहां पे वो डीप एंड था वहां पे उन्होंने वो सारा सेट क्रिएट किया, और वो स्कूबा डाइविंग वाले बुला के और वो ऑक्सीजन टैंक वाले बुला के, तो वहां पे फिर वो शूट कंप्लीट हो पाया। ओके, मतलब थाईलैंड आपने शूट किया फैशन मैगजीन के लिए, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट शूट, क्योंकि बहुत कम लोग, बहुत कम आर्टिस्ट होते हैं जो इतने कम समय में इतना सारा मुकाम हासिल करते हैं, और इस एज में हासिल करना, दैट इज रियली अमेजिंग। और मैं दर्शकों को और बता दूं कि सर ने बहुत सारी मूवीज, बॉलीवुड मूवीज की है, मलयालम फिल्म्स की है, तो अब हम बात करेंगे सर की फर्स्ट मूवी के बारे में जिसका नाम था हैप्पी सरदार जी। यस, राइट, जो मलयालम लैंग्वेज में है और बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्म रही है, तो सर उसमें आपका क्या रोल रहा था हैप्पी सरदार में, और मुझे ये बताइएगा सबसे पहले तो आपको ये रोल के लिए जो ऑफर्स आए वो किस तरह से आए, क्योंकि मूवी के लिए जो ऑफर आती है ना वो थोड़ी बहुत कोइंसिडेंसली होती है, वो बहुत थोड़ी मेमोरेबल होती है। जी जी, तो आप वो मुझे बताइए किस तरह से ऑफर्स आए। हाँ, वो मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि मैं जयपुर हाँ, तो एक एडवर्टिजमेंट के लिए शूट कर रहा था, और वहां मुझे केरला से एक कॉल आया कि मैं डायरेक्टर हूँ, पिक्चर बना रहा हूँ, और मैं अपने हेयर कट के लिए गया था नाई की दुकान पे, तो मैंने उनको बोला कि मुझे फंकी सा हेयर कट दिखाओ जो मेरी एज पे सूट करे, और वो डायरेक्टर मेरी ही एज ग्रुप के हैं, तो बार्बर ने उनको जो है बहुत सी तस्वीरों के बीच में मेरी भी तस्वीर दिखाई, तो उसने कहा कि यार ये बंदा इंडियन है, फॉरेनर है, कौन है ये, तो गूगल पे चेक किया गया सारा के फोटो कहाँ से लिया बार्बर ने वो करके, एंड समहाउ जो है ना वो मेरा फोन नंबर उनको मिल गया। किसी कास्टिंग वाले से उन्होंने वहां अरेंज कर लिया, और उनको बहुत खुशी हुई कि मैं ऑलरेडी मॉडल और एक्टर हूँ, मतलब सिखाना नहीं पड़ेगा और वो सब नहीं होगा, तो उन्होंने मुझे झटपट से साइन कर लिया। और एक सरदार हीरोइन के फादर का कैरेक्टर है जो सरदार है, और पंजाब में शूट हुआ उसका, फिर केरला में शूट हुआ, और इसी दौरान मैंने भारत पिक्चर साइन कर ली, दरबार साइन कर ली, और सांड की आंख साइन कर ली, तीन हिंदी पिक्चरें। तो सबसे पहले रिलीज भारत हुई, क्योंकि सलमान खान की पिक्चर थी और बड़ी जल्दी जल्दी उन्होंने बनाई और बहुत लैविश तरीके में, तो वो सबसे पहले रिलीज हुई, उसके बाद हैप्पी सरदार रिलीज हुई, उसके बाद सांड की आंख रिलीज हुई, और एंड में फिर दरबार। तो 2019 में इन चार पिक्चरों ने मुझे बहुत, मतलब अपने आप पे बहुत गर्व करवा दिया कि हाँ, मैंने ये एक न्यू एक्टर होते हुए भी चार बड़ी पिक्चरें जो है वो, चाहे छोटे किरदार थे या बड़े किरदार थे, डजंट मैटर,
कई लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया कि एक सीन के लिए आप क्या समझते हो अपने आप को, ये वो। तो मैंने उनको बोला कि भैया तुम एक सीन में भी आके दिखा दो। एग्जैक्टली क्योंकि जी होता है, क्योंकि जब एक सीन में आना कास्टिंग होती है ना बड़ी, हाँ बड़ी मूवीज की जब कास्टिंग होती है तो अच्छे अच्छे एक्टर्स की ऑडिशन के लिए बाहर लाइन लगी होती है, और मुझे इन चारों मूवीज में से चारों मूवीज के लिए खुद जाके ऑडिशन नहीं देना पड़ा। मुझे कास्टिंग वालों ने फोन किया, मैंने फोन पे ही सीन जो है वो फिल्म करके भेजे, उसी पे सिलेक्शन हुई और उसी तरह से आगे बढ़ा। तो इसलिए मैं ये छोटा बड़ा रोल ये वो इन सब चीजों को नहीं मानता बिल्कुल भी। अच्छा, आपके ने किया था एंटोनी वर्जिस के साथ, राइट? जी जी हाँ, वो एक अभी तीसरा मूवी आपने होने बाकी है, वो अभी पिक्चर हाँ होना बाकी है, और उसमें मेरा एक मुस्लिम का करेक्टर है जो मुझे मतलब दूसरे कल्चर्स के बारे में जब पता लगता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ। उन्होंने बोला कि एक हाजी हाजी का करेक्टर है और वो बारी बारी नमाज पढ़ते हैं तो वो जमीन पे माथा टेकते हैं तो यहाँ पे काला निशान जो है वो परमानेंट परमानेंट बन जाता है। जी हाँ, तो वो मेकअप से वो निशान रोज लगाया जाता था। और मेरे में खासियत यह है एज एन एक्टर कि मैं जो किरदार निभाता हूँ तो मैं बिल्कुल उसके उसकी एनर्जी में हाँ, तो मुझे वो मुस्लिम ड्रेस डाल के सिर पे वो कैप लगा के और वो निशान, तो मुझे एक्चुअली जो है मैं उसी उसमें, तो मैं गाने भी जो है वो वही उनकी आपकी जो प्रेयर्स होती हैं वो सुनता रहता था दिन भर ताकि मैं उसी एनर्जी में रहूं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, आप दूसरों के बारे में जानते हो और आपको समझ आती है कि भगवान अल्लाह सब एक ही हैं, अलग अलग रास्तों से हम सब जा रहे हैं उसकी तरफ, और जितनी शिद्दत से हम पूजा पाठ करते हैं उतनी शिद्दत से बाकी लोग भी अपने 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 भगवान को चाहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आपकी एक सांड की आंख पिक्चर मेरे को समझ में नहीं आई, सांड की आंख ये नाम है, मतलब किस तरह का नाम डिसाइड किया है, नाम के पीछे भी लॉजिक क्या है? सांड की आंख मैंने अभी अभी कल परसों ही मैंने लाइव में बताया कि अनुराग कश्यप जी की पिक्चर है और दो शूटर दादीज हैं मेरठ में जिन्होंने इंडिया के लिए हमारे देश के लिए बहुत नाम कमाया है, चंद्रो और प्रकाशी तोमर, और रियल स्टोरी है उनकी कि कैसे गांव से निकल के अपने पतियों से और फैमिली से छुपा के वो शूटिंग चैंपियंस बनी, इंडिया की शूटिंग चैंपियंस बनी, और 800 से ज्यादा उन्होंने मेडल्स जीते अपने करियर में। तो पिक्चर का नाम शुरू में वुमनिया रखा गया, वो एक गाना आया था अनुराग कश्यप जी का, ओ वुमनिया ओ ओ वुमनिया ओ वुमनिया, हाँ, तो उस गाने पे नाम रखा गया वुमनिया के, चलो औरतों की पिक्चर है तो, मगर उस पे किसी ने कोई लीगल प्रॉब्लम कर दिया क्योंकि किसी और ने उसको नाम को रजिस्टर करवाया हुआ था ऑलरेडी। तो फिर ये सोचा गया कि यार शूटिंग पे पिक्चर है तो क्या नाम रखा जाए, तो किसी ने कहा कि बुल्स आई, तो वो औरतें बोल नहीं पाती थी, वो अनपढ़ थी, तो वो रियल लाइफ में कहती थी सांड की आंख, क्योंकि निशानेबाजी में जो बिल्कुल अंदर वो गोल होता है जिसमें गोली आप मारो तो आप चैंपियन बन जाते हो, उसको बुल्स आई कहते हैं, तो वो इसलिए हाँ, तो इसलिए पिक्चर का नाम पड़ा सांड की आंख बुल्स आई से। नाइस नाइस स्टोरी है, सांड की आंख के पीछे की स्टोरी बहुत ही अच्छी है। मैं मतलब पर्सनली ये बताता हूँ आपको कि मैंने पिक्चर साइन की थी वुमनिया और मैंने 2 महीने हो गए कोई उसकी खबर नहीं आई क्योंकि वो लोग लीगल प्रॉब्लम में पड़ गए थे, तो मैंने गूगल पे चेक किया, मैंने फोन किया तो वो कोई उठाए ना, मैंने गूगल पे चेक किया तो उस पे आया कि वुमनिया तो कोई पिक्चर ही नहीं है, तो मेरा दिल बैठ गया, मैंने कहा यार इतनी अच्छी पिक्चर मिली थी और आज से चली गई। मैंने अगले दिन चेक किया तो आया कि वुमनिया का नाम अब सांड की आंख रख दिया गया और जल्दी पिक्चर बनेगी सांड की आंख तो मेरी सांस में सांस आई नहीं तो सर ऐसा ऐसा हुआ होगा ना कि सर आप किसी को बोलते होंगे कि मेरी मूवी आ रही है देखना सांड की आंख और मतलब जिंदगी के जो मतलब उतार चढ़ाव होते हैं ना वो इतने अजीब होते हैं। मैं फिर ये हैप्पी सरदार के लिए शूट कर रहा था केरला में, और एलपी एक जगह है जहाँ पे बैक वाटर्स हैं, बोट्स हैं, बहुत कुछ है, तो वहां पे मुझे फोन आया कि जी अब फाइनल हो गया शेड्यूल सांड की आंख का और आपको अगले महीने से 17-18 दिन जो है वो इसको देने हैं पिक्चर को,
तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब मैं कितनी दूर हूं अपने घर से और वहां ये खबर मिल रही है। मतलब एक एक्टर की जिंदगी जो है वो इतनी अजीब होती है कि आप इमेजिन नहीं कर पाते। बिल्कुल सही है। कभी सर कभी ऐसा हुआ है कि आपको आपके मूवी के नाम सांड की आंख करके किसी ने टैग किया हो या उस सांड की आंख करके बुलाया हो? एवरीडे मैं मॉल्स में भी जाता हूँ जब यहाँ पे चंडीगढ़ में, तो लोग अभी भी देख के कहते हैं अरे सांड की आंख का महाराजा आ गया। सुनने वाले को अजीब लगता होगा कि एक तो ये सांड की आंख कौन सा देश है। पब्लिक सोचती होगी, जो हमारे बाजू में पब्लिक होगी वो सोचती होगी एक सांड की आंख कौन है, कौन सा देश है और ये महाराजा कहाँ का आ गया वहां का। ये तो मतलब सांड की आंख जैसा तो लगता नहीं है, तो ऐसे लगता है जैसे कोई इंग्लैंड का महाराजा आ गया हो। वेल बहुत अच्छा, बहुत अच्छी स्टोरी रही आपकी। और ये तो रहा आपने सांड की आंख की बात, अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट मूवी की जिन्होंने जो आपने की दरबार, बहुत ही लेजेंड एक्टर के साथ आपने की, मिस्टर रजनीकांत सर। तो उनके साथ आपके, मैंने पूरी मूवी देखी है बकायदा, बहुत ही अच्छे रोल आपने उसमें निभाए हैं। और आई थिंक एक जो आपके बॉस रहे हैं सुनील शेट्टी के राइट हैंड, जिनको आप जो आपके साथ रहते थे, उनका नाम क्या था, हसन जी के क्या नाम, नवाब शाह। तो उनके साथ का पूरा, मैंने आपकी मूवी में जब भी आती है ना दरबार में स्पेशल आपको देखने के लिए पूरी मूवी देखता हूँ। अरे मैं आपको इसके पीछे का भी किस्सा बताता हूँ, और ये मैंने आज तक कभी किसी से शेयर नहीं किया। दरबार मुझे बीच में छोड़नी पड़ गई थी, मेरा रोल कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि मैं हैप्पी सरदार के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट था, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट था, और वो डेट्स क्लैश करने लग गई। मैं कोची से ट्रेवल करता था बॉम्बे, ये शूट करता था और फिर कोची वापस, तो वो हैप्पी सरदार वालों ने ऑब्जेक्ट किया और मैंने दरबार वालों को रिक्वेस्ट की, तो दे सेड के हाँ मतलब ऑलमोस्ट 70% रोल आपका कंप्लीट हो गया है, 3-4 सीन रहते हैं तो कोई बात नहीं, आप छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े स्टार्स थे पिक्चर में और वो सब। तो मेरा जब सीन एंट्री वाला सीन हुआ तो नवाब शाह के साथ हुआ, एंड ही इज अ वेरी वेल बिल्ट मैन, मेरे से भी लंबी हाइट है, 6'2" एंड बहुत बॉडी बिल्डर टाइप हो रहे वो, तो उनके साथ मेरा इंटरेक्शन रहा। और हमें होटल में दिन में बैठने उठने के लिए एक ही कमरा दिया गया, तो उस कमरे में एक दिन नॉक हुआ, दरवाजा मैंने खोला तो सामने एक हीरोइन आई थी, पूजा बत्रा जी, अगर आपने पिक्चर देखी हो, एक अनिल कपूर जी की पिक्चर आई थी जिसमें उनका रोल था बहुत अच्छा, और अक्षय कुमार जी की मूवीज में वो हीरोइन रही हैं, और फिर उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी थी, फॉरेन चली गई थी, फिर अब वो इंडिया आ गई, तो वो पूजा बत्रा जी खड़ी हुई दरवाजे पे, तो मैं तो हैरान हो गया बिकॉज वो मेरी फेवरेट हीरोइन होती थी। तो नवाब शाह जी ने बोला कि जी ये मेरी धर्म पत्नी है आजकल, एंड बातों बातों में जब उनसे बातें हुई तो मुझे ये पता चला कि पूजा बत्रा जी की दादी माँ और मेरे मदर, रियल मदर, वो 40-45 साल तक सबसे बेस्ट फ्रेंड्स रही, और वो हमारे घर में आके ठहरती थी, मेरे मदर उनके घर में जाके ठहरते थे, और मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं था, कोई पता ही नहीं था। और पूजा बत्रा ने मुझे बात बताई कि आप तो मेरी दादी माँ की सहेली के बेटे हो। कोइंसिडेंटली तो इस तरह से कनेक्शंस जो है ना वो जब निकलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि आज छोटी सी दुनिया है यार। छोटी सी दुनिया जी। इस मूवी के दौरान कभी रजनीकांत सर से कुछ बातचीत हुई या कुछ ऐसे कुछ हाँ, ऐसे मेमोरेबल कुछ मेमोरी हो आपकी? हाँ मतलब मेमोरी तो वही है जो मुझे, मतलब मैं इस बात के लिए कोई खास प्राउड नहीं हूँ कि मैं उनको पहचान ही नहीं पाया, बिकॉज एक तो मैंने साउथ की मूवीज देखी नहीं है इतनी, और मेरी मूवीज की नॉलेज बिल्कुल निल है, और वो बिना मेकअप के थे तो मुझे पता ही नहीं चला कि रजनीकांत सर है। और मैंने उनके मुंह पे बोल दिया कि मैं तो आपको पहचाना ही नहीं कि आप रजनीकांत थे। तो उन्होंने ऐसा रुमाल नहीं घुमाया, चटाक या उठा के मुझे मारा जैसे विलन्स को पटकते हैं। डिश He is a very young personality. अरे वो मतलब he is God of films. मतलब इतना gentle और इतना humble आदमी है वो। हमारे यहाँ तो आपको पता है इतनी सी success मिल जाए तो हम झाड़ पे चढ़ के बैठ जाते हैं,
और साउथ के लोग जो है ना वो मतलब जमीन पे बैठ के खाना खा लेंगे और उसको उनको जैसे भी ट्रीट करो वो ट्रीट हो लेंगे, बिकॉज वो लोग बहुत हम्बल और बहुत अच्छे हैं। तो रजनीकांत जी तो बहुत मतलब जेंटलमैन है, बिल्कुल टोटल डाउन टू अर्थ, सो डाउन टू अर्थ, टोटल डाउन टू अर्थ, टोटल। नहीं ये आपकी बात से मैं बिल्कुल डेम एग्री विथ योर, आपने जो बात कही है बिल्कुल सही कही कि लोग थोड़ी सी सक्सेस पा लेते हैं ना तो उसके बाद उनका हाल टेम्परेचर जो है ना हाई लेवल पे होता है, हाई लेवल पे। तो मुझे सब कहते हैं आप बहुत हम्बल हो, बहुत हम्बल हो, तो मैं कहता हूँ यार मैं तो ऐसा ही हूँ, क्या हम्बल और क्या एटीट्यूड। अब आप मेरे से बात करने आए हो, आप प्यार से बात कर रहे हो तो मैं प्यार से ही जवाब दूंगा, अगर आप मुझे एटीट्यूड दिखाओगे तो मैं भी आपको एटीट्यूड दिखाऊंगा। जो अच्छे से बात करेगा वो अच्छे से ही जवाब लेगा, मुझे कोई एतराज नहीं है उसमें बिल्कुल भी। मैं ऑडियंस में दर्शकों को बता दूं कि दिनेश मोहन सर बहुत ही जेंटलमैन एंड बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है, क्योंकि अहमदाबाद में हमने एक शो में मुलाकात हुई थी हमारी, एंड रियली मैं तो उनका तब से फैन हूँ और मैं तो चाहता था कि मेरे शो का ओपनिंग दिनेश सर से हो, बट मैंने सोचा कि थोड़ा अभी लाइनअप होने तो उनके बाद थोड़ा हाइक पड़ जाए ना द हुसैन अंसारी शो का, उनके उसके बाद मैं सर को बुलाऊं, क्योंकि आई एम अ बिग फैन ऑफ योर। ऐसी कोई बात नहीं है, और मेरे बहुत परम मित्र और फिटनेस कोच जो है संदीप वो भी देख रहे हैं लाइव एंड वो लिख रहे हैं इसमें कि सो यू आर दिनेश। नो आई एम नॉट दिनेश, आई एम संदीप। और हमने साथ में सर के साथ भी एक हमको एक मौका मिला, बहुत ही ऑनर है, हम लोग प्राउड फुल करते हैं कि सर हमारे अहमदाबाद में आए और एक फैशन शो में एज अ जज, एज अ जज वो हमारे साथ थे। तो उस टाइम पे तो हम लोग थोड़े भागम दौड़ में थे तो सर को प्रॉपर हम लोग बातचीत नहीं कर पाए। सो देखो ऊपर वाले का भी एक एक वो ही है, दस्तूर है, करिश्मा ही है कि हम लोग आज यहाँ पे बात कर रहे हैं लाइव। और एक और सर एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आपने इतनी सारी मूवी की है, आपकी चौथी फिल्म है जिसमें आपने भारत मूवी के में काम किया सलमान खान के फादर का रोल, उसमें आपका जो किरदार रहा है उसमें आपको क्या एक्सपीरियंस मिला और वो रोल कैसे मिला वो खास बताइएगा आप मुझे। हाँ मतलब उसमें फादर का एग्जैक्टली रोल नहीं है मेरा, वो मुझे लगता है कि वो मेरा बेटा है और उसको लगता है हो सकता है ये शख्स मेरा फादर हो, मगर वो फिर गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो जाती है उसी सीन में। और मुझे ये कहा गया था कि चार सीन्स होंगे इन ऑल जिसमें मैं होऊंगा, मूवी का नाम ना मुझे नाम बताया गया ना मुझे बताया गया कि वो सलमान खान जी के साथ है, बस ये कहा गया कि एक मूवी है बहुत बड़े स्टार के साथ और ओनली फोर सीन्स यू हैव, एक दो बातचीत के सीन है और एक सीन में आपका डेथ सीन है। तो मैंने वो घर से उनको फिल्म करके भेज दिया एक सीन और वो रोल मुझे मिल गया, और अगर मेरा रोल कंप्लीट होता तो वो ये था कि एक सीन जो आया उसमें वो मेरे को कहते हैं कि आपके फादर आपका बेटा आपको जरूर मिलेगा, और जो मेरा फिर फाइनल सीन था वो ये था कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, डेथ बेड पे हूँ और सलमान खान जी आते हैं और मैं उनको कहता हूँ कि आपने मुझे वादा किया था कि बेटा मिलेगा और मुझे मेरा बेटा मिला नहीं, तो वो ये कहते हैं कि आप मुझे ही अपना बेटा समझ लीजिए और फिर मैं उसके सामने दम तोड़ देता हूँ। ये सीन भी फिल्म किया गया था मगर वो अनफॉर्चुनेटली पिक्चर में अब वो उनको पता आया नहीं सीन, मगर ये सीन आया और मुझे अच्छा लगा बिकॉज लोगों ने बोला कि सभी लोग उस सीन को देख के इमोशनल हो गए थे और काफी ऑडियंस जो है वो काफी इमोशनल सीन था, वो काफी इमोशनल, क्योंकि एक बेटा अपने बाप को ढूंढ रहा है, एक बाप अपने बेटे को ढूंढ रहा है, काफी सालों से बिछड़ गए हैं, तो बहुत ही इमोशनल सीन था। एक्चुअली उस टाइम पे तो मेरी आंख में भी आंसू आ गए थे, बहुत ही इमोशनली, क्योंकि वो पिक्चर का सीन ही बहुत अलग तरह से फिल्माया गया, अलग तरह से फिल्माया गया था एक यूनिक। ये हाँ ये सारी चीजें आपने की, आपको पूरा आपने जो 2016 से 2020 अब खत्म होने वाला है, का लास्ट डे है, और तो चार साल में सर आपको सबसे ज्यादा काम करने में और किसके साथ काम करने में ज्यादा मजा आया? मुझे मैं आपको अगर सच बताऊं ना तो मैं मतलब इस प्रोफेशन को मैं इतना सीरियसली और पैशनेटली लेता हूं कि ये मेरी मतलब लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो मैं सभी काम को छोटे से छोटे बड़े से बड़े काम को मैंने बहुत एंजॉय किया बहुत, और जैसे हम छोटा सा शूट कहते हैं उसको भी मैंने बहुत एंजॉय किया और जो बड़े बड़े शूट हैं उनको भी मैंने बहुत,
तो मैं बिल्कुल ये कह पाऊंगा ही नहीं कि मैंने किसको सबसे ज्यादा एंजॉय किया, कहां मुझे, बिकॉज आई हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, और मेरी एंजॉयमेंट जो है ना वो जब वो प्रोसेस स्टार्ट होता है ना कि मैं घर में रेडी हो रहा हूँ, अपना सामान रेडी कर रहा हूँ और फिर जा रहा हूँ और कैमरा, तो वो सारे प्रोसेस में ही मुझे बहुत मजा आने लग जाता है। पर मेरे लिए मेमोरेबल जो है ना वो एक चीज रही है बहुत, कि जो मेरी लास्ट मलयालम मूवी थी जो अभी रिलीज नहीं हुई, उसका आखिरी सीन था एक, और मेरे को स्पेशली दिल्ली से फिर वहां बुलाया गया और वो लोग गाड़ी में मुझे किसी बहुत रिमोट जगह पे ले गए, और जब वहां पहुंचे तो मैंने देखा कि वो इतना खूबसूरत बीच है, मतलब जिसे कहते हैं बिल्कुल स्वर्ग की तरह, तो वो सीन जो है ना वो मेरी आंखों में आज तक बसा हुआ है, और कई बार मैं याद करता हूँ कि यार वो एक दिन जो है ना उस बीच के ऊपर बिल्कुल नीला ट्रांसपेरेंट वाटर, और मुझे पता ही नहीं था कि हमारे देश में इतनी खूबसूरत जगहें हैं, हम मतलब फॉरेन घूमने भाग जाते हैं हर मौका मिलते ही कि जी उधर चलते हैं उधर, मगर हमारे देश में इतनी खूबसूरती है, और मेरे को बहुत अपने आप को खुशकिस्मत मैंने समझा कि यार मैं ऐसी ऐसी जगहों पे शूट कर रहा हूँ, तो वो मुझे बहुत मेमोरेबल रहा मेरे लिए जी। खैर सर, आपकी जो लाइफ की जर्नी है एज अ मॉडल एज अ एक्टर बहुत ही खूबसूरत है, और थोड़े उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं लाइफ में जी, और आपकी इस जर्नी के बारे में ऑडियंस को तो ऑलमोस्ट पता ही चल गया है, तो आप ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं और जो लोग मॉडल बनना चाहते हैं, उन्हें आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मतलब मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूं बिल्कुल भी, क्योंकि ये फील्ड जो है ना आप भी जानते हैं बहुत बड़ा और बहुत उलझा हुआ है, इसमें हर प्रोड्यूसर जो है वो अपने आप में एक इंडस्ट्री है, हर डायरेक्टर जो है वो अपने आप में एक इंडस्ट्री है, हर कोरियोग्राफर जैसे आप हैं, हर शो बनाने वाला वो अपने आप में एक पूरा कंप्लीट इंडस्ट्री है, तो सबकी अप्रोच फर्क है, सबका काम करने का तरीका फर्क है, सबको अलग अलग मॉडल्स अलग अलग एक्टर्स पसंद है, तो एक फॉर्मूला जो है ना वो इस इंडस्ट्री में चलता ही नहीं है, आप जो यहां लिखवा के लाए हैं ना अपने माथे पे वही एक फॉर्मूला है जो काम आपके आ सकेगा, तो आप लगे रहिए मेहनत करते रहिए, किस्मत में हुआ तो जरूर आपका नाम भी चमकेगा, और अगर मेरे जैसों का चमक सकता है आपका तो पक्का चमकेगा। क्या बात है सर, बहुत ही अच्छी बात कही है सर ने कि किस्मत आप अगर लेकर आए हो डेफिनेटली, और इंडस्ट्री बॉलीवुड इंडस्ट्री ऐसी जगह है जहां पे एक चीज जो आप कर रहे हो उसमें आपको हर दिन हर पल एक नया रिनोवेट करना ही पड़ेगा, उसको अपने आपको चेंजेस लाना ही पड़ेगा, तब अपने आपको जितना घसोगे उतना ही, क्योंकि इस इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन बहुत है, बट स्टिल चीज यही है कि आपके यहाँ पे लिखा होना चाहिए नसीब, आगे जा सकते हो। लक यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे लक है, मेहनत आपका काम करता है 75% और आई थिंक और 25% आपका काम करता है आपका लक। हाँ मतलब मेहनत 75%, 20% लक और 5% आपके रिश्ते, जो आपने लोगों से अच्छे रिश्ते बनाए हैं, अगर जैसे मैंने आपसे रिश्ता अच्छा बना लिया रिस्पेक्टफुल, तो आप जब भी कुछ शो अरेंज करेंगे तो एक बार आपके दिमाग में मेरा नाम जरूर आएगा, तो मैं तो प्लानिंग कर रहा हूँ सर, मैं तो प्लान कर रहा हूँ, मैं एक दो महीने में प्लानिंग हो जाएगी मेरी तो बस इसी चीज पे ये इंडस्ट्री टिकी हुई है। हाँ एग्जैक्टली अगर सर ने ये बहुत अच्छी बात कही कि एक रिश्ता जो होता है ना 5% हम जिसको सबसे कम है, बट 5% उसको 5% मत समझो, 5% जो रिश्ता है ना वो 5000% बहुत बड़ा अहमियत रखता है अपने लाइफ में, भले आपको काम है या नहीं है। जब मूवी का या किसी भी शो का या सीरियल का प्लानिंग चलता है आप वहां पे मौजूद नहीं होते, और वो बॉम्बे में या कहीं हो रहा है, मगर वहां आपका नाम अगर किसी के दिमाग में आ गया और उसने सजेस्ट कर दिया तो ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। और अगर आप रिश्ता बिगाड़ के रखोगे तो नाम आएगा ना तो भी सजेस्ट नहीं करेगा, अरे नहीं है मेरा दुश्मन, बेकार आदमी, ढूंढो बेकार आदमी, हालांकि बेकार नहीं होता कोई भी, सब काम के ही होते हैं, बट उस तरह से अरे यार बेकार है बेकार। मेरे साथ भी सर, मैंने भी जब स्टार्ट किया मेरा करियर तो बहुत सारी उंगली उठी थी, बहुत सारी मजाक उड़ाई गई थी, और होता है लाइफ में सब कुछ होता है। वेल आपके लाइफ की जो जर्नी है बहुत ही खूबसूरत है, और अल्लाह से मेरी यही दुआ है कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, और
बहुत सारा आपको काम मिले, बहुत काम करते रहे हर दिन, हर हर रोज एक नई स्टोरी के साथ, एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रोजेक्ट के साथ हमें देखने मिले। ऐसी मेरी वाहेगुरु जी से भी दुआ है, ऊपर वाले से भी दुआ है। और आखिर में एक बात बोलना चाहूंगा सर, आपका जितने भी मैं ऑडियंस देख रहे हैं यहाँ पे, अगर कुछ आपको सवाल है सर से तो आप बेझिझक होके आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। सिर्फ 5-2 मिनट का ही टाइम है हमारे पास, हम 2 मिनट जो भी सवाल कर सकते हो आप। मैं भी ये बात कहना चाहूंगा, जो आपने बात बोली के काम मिलता रहे और वो सब, बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मेरे लिए जरूरी ये है कि मुझे सबका प्यार मिलता रहे। मुझे काम से कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोगों का सबका प्यार बना हुआ है तो फिर जिंदगी आसानी से हंसते खेलते हुए निकल जाएगी, और वही जरूरी है। काम का तो क्या है, आता जाता रहेगा, प्यार बना रहना। मैं, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, प्यार होता है ना, प्यार बना रहना चाहिए, काम हाँ। तो आता जाता रहता है। और इस बात पे मैं आपसे, आपके लिए सर कुछ 4 लाइन बोलना चाहूंगा जी, कि सबके लबों पर एक दिन तेरा ही नाम होगा, सबके लबों पर एक दिन तेरा ही नाम होगा, हर कदम पे तेरे दुनिया का सलाम होगा, हर करना तू डटकर, देखना समय एक दिन तेरा भी गुलाम होगा। अरे क्या बात है, क्या बात है, अगर ये मेरी माँ सुन रही होती ना आज तो बहुत खुश हो जाती, क्योंकि ऐसी दुआ वो मेरे लिए करती रहती है हमेशा। नहीं, मैं आपके, आपसे बहुत छोटा हूँ, आपके बेटे के और बच्चे के समान हूँ, बहुत छोटा हूँ आपसे, जी तो मेरी तो इतनी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है कि मैं आपको दुआ दे सकूं, बट मैं ऊपर वाले से और अल्लाह ताला से, वाहेगुरु जी से यही दुआ करूंगा कि बस आप ऐसे ही 100 साल जियो, हंसते रहो और अरे बहुत सारा काम करो, बहुत सारा काम करो, ऐसी हमारी मेरी दिल से शुभकामना है। थैंक यू सो मच डियर, और गॉड ब्लेस यू, लास्ट बहुत में, मजा आया जी। लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा आपसे, मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन, द हुसैन अंसारी शो में आके आपको कैसा लगा सर? अरे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और देखिए, मैं जब भी कोई ऐसी चीज बोलता हूं ना जो मैंने पहले नहीं बताई होती, तो वो होस्ट के ऊपर है कि वो कितने अच्छे हैं, कितने प्यार से बात कर रहे हैं। अदरवाइज ना बहुत रूटीन में लाइफ निकल जाता है और वही मैकेनिकल बातें होती हैं। तो जब मैं कोई पर्सनल चीज शेयर करता हूँ, इसका मतलब यह है कि होस्ट जो है वो मेरे दिल को छू गए। तो क्या बात है, थैंक यू, थैंक यू, आई होप कि मैं आपके दिल को छू। थैंक यू सो मच, अरे थैंक यू सो मच, आपने द हुसैन अंसारी शो में टाइम निकाल के आपने अपना टाइम दिया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी व्यूवर्स हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग का ऐसे ही प्यार बना रहे। सभी खुश रहो, हैप्पी न्यू ईयर सबको इन एडवांस, और नए साल में मिलेंगे हंसते खेलते हुए बिंदास। नए साल सबको मेरी तरफ से और सर की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, और नए साल में आप सभी अच्छे काम करिएगा, बिल्कुल गलत काम सब छोड़ दो और अच्छे काम करो, अच्छी जगह पे अच्छे रास्ते चुनो, डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी जी। तो मिलते हैं सर हम नेक्स्ट एपिसोड में, और तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।